नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नए वीडियो आप सभी का वेलकम है। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैद्यनाथ कंपनी के त्रिभुवन कृति रस से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी एमआरपी की स्टाइल की प्रॉब्लम में मेडिसिन यूज़ की जाती है, इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो एंड देखिए। अगर चैनल पर जिनको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बैद्यनाथ कंपनी की त्रिभुवन कृति रस किस लिए बनाई गई है? तो दोस्तों ये यूज़ की जाती है सर्दी जुकाम बुखार के लिए। अगर आपको जैसे कि न्यूरोपैथिक पेन है, या फिर आपको जैसे कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया है, एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो उसमें ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको आपके लीवर और स्प्लीन पे भी दोस्तों काम करती है, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। अगर एमआरपी की बात करें तो आती है 90 रुपीज़ की, जो कि 90 रुपये की मिलती है। तो इसे कैसे यूज़ करें, तो इसके लिए गाइस आपको 2 टैबलेट यूज़ करने, जो कि हनी के साथ लेना है। और इसको एक बार मॉर्निंग टाइम यूज़ करें, एक बार नाइट में यूज़ करें, फिर इवनिंग टाइम में ले सकते हैं, जो कि खाने के बाद लेनी है। गाइस पेशेंट जैसे कि कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। और आपको अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, या फिर कोई इंजरी हो गई है, तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। गाइस अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ब्लैक पेपर डालेगी, पीपली डालेगी है, जिंजर डालेगी है, त्राईकेतु है, सुहागा है, और इसमें दोस्तों एक्टोनाइट डाली गई है, और भी इसमें आयुर्वेदिक ग्रेड डाले गए हैं। और दोस्तों कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, तभी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्रॉनिक फीवर को भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। सो गाइस मैंने इसकी कंप्लीट नॉलेज दे दी, तो वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और हमें सपोर्ट कीजिए गाइस। सो इस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।